आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। शिवांग, आयुष, केशव, शुभम, प्रेम, कृष्णा, अनस, प्रियांशु, शिवम अग्रवाल, ये मुझे दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, और 11 और हैं दिख रहे हैं, एंड 11 मोर, टोटल 22 हैं। सही है। अच्छा चलो, अब हमें क्या करना है? सबसे पहले स्क्रीन प्रेजेंट। सबसे पहले मुझे करना है स्क्रीन प्रेजेंट। कैसे? ठीक है, वो क्लिक कर दिया मैंने, है ना? Yes, अब मैं कर रहा हूँ योर एंटायर स्क्रीन आ गया, ठीक है। अब मैंने इस पर क्लिक कर दिया, अब मैं कर दूंगा शेयर। यस सर, हो गई सर। वो थ्री डॉट्स जो दिख रहे हैं ना, वहाँ पे दबाइए। अब वहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने सर, व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड आ गया, अब मुझे भी आ गया थोड़ा थोड़ा। स्टार्ट ए न्यू व्हाइट बोर्ड। यस, क्यों नहीं हुआ भाई? शुरू हो गया। हो गया सर, फुल स्क्रीन। नहीं, पहले शेयर। नहीं सर, शेयर मत कीजिए। शेयर नहीं करना? दिख रहा है सर हमें। फिर क्या दिख रहा है सर हमें? अब मैंने तो कर दिया शेयर सर। कर दीजिए, कोई बात नहीं। बिल्कुल, मैंने अब ये मैंने फुल स्क्रीन कर दिया, दिख रहा है सर। यस सर। चल ठीक है, हमने लास्ट टाइम कहाँ पे छोड़ा था? डेवलपमेंट ऑफ सर, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ डेवलपमेंट मत करना था। यहाँ से शुरू करना है, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्म डेवलपमेंट। हेलो। यस सर। ठीक है, पेन ले लिया मैंने, काले रंग का। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्म डेवलपमेंट। ठीक है। अच्छा सुनो, सबसे पहले एक हार्मोन आता है, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पर, और वहां से दो हार्मोन्स रिलीज कराता है, LH और FSH। LH एक्ट करता है इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ टेस्टिस, सर LH और FSH की फॉर्म बता दी। LH होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। सर स्पेलिंग लिख रहा हूं, ठीक है। और FSH होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर हो गया? यस सर। इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लीडिंग इन टेस्टिस, और वहां से रिलीज करवाते हैं एंड्रोजेंस। ठीक है, वहां से एंड्रोजेंस रिलीज करवाता है, ठीक है, जो स्पर्म डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है, कंट्रोल्स स्पर्म डेवलपमेंट। सर ये LH जो है, ये इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लीडिंग में करता है क्या? हाँ, तो LH जो होता है वो एक्ट करता है इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लीडिंग पे, ठीक है, और वहां से एंड्रोजेंस रिलीज करवाता है।
और ये एंड्रोजन्स जो होते हैं ये स्पर्म की डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं। क्लियर हो गया? जो एफएसएच होता है वो एक्ट करता है सर्टोली सेल्स ऑफ टेस्टिस, ठीक है, वो एक्ट करता है सर्टोली सेल्स ऑफ टेस्टिस और वहां से रिलीज करवाता है सम फैक्टर्स, कोई नाम नहीं है उन फैक्टर्स का, और ये फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, ये फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस क्या था? जो आखिरी वाला था याद है? यस सर, स्पर्मेटिड से स्पर्म। आर रिलीजेस सम फैक्टर्स। सुन, अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने टेस्टिस का कट सेक्शन कर लिया। यस सर। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का? यस सर। सर्टोली सेल के फंक्शन? यस सर हो गया। यस सर हो गया। स्पर्म का डायग्राम? यस सर हो गया। स्पर्म डेवलपमेंट? यस सर। कंट्रोल ऑफ स्पर्म डेवलपमेंट, हार्मोनल कंट्रोल? सर वही चल रहा है। हो गया सर। वो उधर इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लीडिंग इंटरस्टिस के नीचे का लिखा रिलीज एंड्रोजन्स। एंड्रोजन्स ओके सर। आज तुम्हें मेरी शक्ल ऐसी लग रही होगी भूत जैसी, क्योंकि लाइट नहीं है हमारे यहाँ, इन्वर्टर से चल रहा है ये, ठीक है, अब जब तक चलेगा तब तक चलता रहेगा, ठीक है, तो दो तरफ लाइट लगती है ना एक्चुअली, तो उसमें से एक ही तरफ लाइट लगी हुई है इसलिए शक्ल अजीब सी लग रही है। चल ठीक है, आगे चलूं? मेल खत्म हो गया? मेल कर लोगे? अब हम किस पे आते हैं सर? एक सेकंड सर, मैं रिफ्रेश करूं सर, मेरे को स्क्रीन थोड़ी छोटी सी ले ले सर, मैं तो रिफ्रेश करके आ रहा हूं सर एक बार। हाँ, एफएसएस से सर वो लेफ्ट हो गया, वो वापस अभी स्क्रीन शॉट ले लगा। अब आते हो गया वापस स्क्रीन सर? वो जो जिसने आपसे बोला था ना, वो बच्चा लेफ्ट हो चुका है और वो आके स्क्रीनशॉट लेगा, वो कह रहा। अच्छा चल ठीक है, अब आ गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यस सर। ठीक है, अब देख फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक है ना, क्या क्या मौजूद होता है? सबसे पहले क्या मौजूद है? यूट्रस। यह है वेजाइना, ठीक है, ये तीसरा लेयर होता है यूट्रस का, इसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। ठीक है, ये आ गए फेलोपियन ट्यूब्स, ये हो गए फिम्ब्रिय, ये आ गए यूट्रस। ठीक है, ये आ गई फेलोपियन ट्यूब्स। ठीक सर, ये बनाना भी है? हाँ, बनाने तुम्हें सारे डायग्राम एनसीईआरटी वाले हैं, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए। ये आ गई ओवरी। ठीक, अब देख ये तो हो गई आपकी ओवरी। ठीक, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर से इन्हें कहते हैं फिम्ब्रिय। ठीक, ये हो गया फेलोपियन ट्यूब। ठीक, ये वाला फेलोपियन ट्यूब का पार्ट होता है इन्फंडिबुलम। मेन पार्ट होता है एम्पुला।
ये वाला पार्ट होता है स्थमस, पहला पार्ट क्या लिखा है, इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम ठीक है, ये हो गया यूट्रस, ठीक है, यूट्रस का सबसे बाहर का पार्ट होता है पेरिमेट्रियम, सबसे बाहर का लेयर पेरिमेट्रियम, बीच वाला लेयर मायोमेट्रियम, सबसे अंदर का लेयर एंडोमेट्रियम, ठीक है, ये आ गया वेजाइना, ये आता है सर्विक्स, ये है मेल, ये हो गया फीमेल। सर ये बीच वाली लेयर को क्या लिखा आपने, बीच वाली लेयर मायोमेट्रियम, सर सेकंड वाली है ना, हाँ मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर एंडोमेट्रियम, सबसे बाहर पेरिमेट्रियम, एक सेकंड होल्ड कर, मैं कुछ खाने को ले आऊं। सर्विक्स नीचे वाला पार्ट, जो यूट्रस का नीचे वाला पार्ट होता है ना, जो यूट्रस का नीचे वाला पार्ट, ये सर्विक्स है, ठीक है, ये जो वेजाइना के अंदर जा रहा है ये वाला पार्ट, ठीक है, ये ऑल सर्विक्स है, जो थोड़ा सा वेजाइना के अंदर जा रहा है। सर वो फिम्ब्रिय के ऊपर क्या लिखा है, फिम्ब्रिय के ऊपर इनफंडिबुलम, ये एक बार समझा दोगे सर, हाँ पहले बना तो ना, समझाना था ही, बना लिया सर, नहीं सर नहीं बनाया भी, बना लो तब तक मैं कुछ खा लेता हूँ। सर इसी के अंदर सर सीलिएटेड ब्लड होता है सही अंदर से, हाँ सर वो बनाना, करें कैसे हो गया, देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक पेयर ओवरी होती है, ठीक है, यरी ओवरी, ये ओवरी, ठीक है, ओवरी के अंदर ना मल्टीपल फॉलिकल्स होते हैं इन वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, फॉलिकल तो ओवा को मान ले, ठीक है, तो मान लो बहुत सारे क्या हैं, नीले वाले बता दे फॉलिकल, फॉलिकल है ना, इन वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक फॉलिकल से एक ओवा रिलीज होकर के कहां पे आ जाता है, फैलोपियन ट्यूब में, ये आ गया, देख आ गया फैलोपियन ट्यूब में, यस, तो हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक फॉलिकल से एक ओवा फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है, ये आ गया, ये आ गया, ये तो ओवरी, ओवरी का अलग से डायग्राम देखेंगे। अच्छा अब ओवरी अटैच्ड होती है किससे, फैलोपियन ट्यूब से ना, ओवरी किससे अटैच होती है, फैलोपियन ट्यूब से,
सर ये इस्थमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम मिला के फैलोपियन ट्यूब बनाते हैं। हाँ ये तीनों क्या हो गए, फैलोपियन ट्यूब हो गए। ये सब क्या हो गए, ये सब फैलोपियन ट्यूब हो गए, इस्थमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम ये सब मिलाकर के फैलोपियन ट्यूब्स हो गए। क्लियर हो गया? यस सर क्लियर। चलो ठीक है। अच्छा सुन, तो फैलोपियन ट्यूब जो है वो ओवरी से किससे जुड़ी होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या नाम देते हैं, फिम्ब्रिया। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब ओवरी से जुड़ी होती है बाय फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, और इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, फिम्ब्रिए। ठीक है, इनको हम नाम देते हैं फिम्ब्रिए। अच्छा तो याद रखना जो ओवा होता है ना वो पहले रिलीज होता है इनटू कैविटी ऑफ द फिम्ब्रिए, जो ओवा होता है वो पहले रिलीज होता है इनटू कैविटी ऑफ द फिम्ब्रिए। ठीक है, वो फिम्ब्रिए कैविटी में रिलीज होता है। देख ओवा रिलीज होकर के और कहां पहुंचा, एम्पुला में। देख एम्पुला पहुंच गया उसी समय, पहले इनफंडिबुलम में नहीं पहुंच गया। हाँ तो ठीक है, इनफंडिबुलम से होता हुआ दिखाया था मैंने, इनफंडिबुलम से होता हुआ, इनफंडिबुलम से होता हुआ कहाँ पहुंच गया, इनफंडिबुलम से होता हुआ पहुंच गया एम्पुला में, एम्पुला में। ठीक है, यस सर। हाँ ठीक है, और इनफंडिबुलम अब उसी समय मान लो रिप्रोडक्शन हुआ, मान लो उसी समय कोइटस हो गया। ठीक है, तो स्पर्म कहां पे डिपॉजिट होते हैं, स्पर्म को किस कलर से दिखाऊं मैं, मान लो ग्रीन कलर से, तो स्पर्म भी देखिए नीचे से जा रहे हैं, वेजाइना में डिपॉजिट हुए, और वेजाइना से स्पर्म फैलोपियन ट्यूब के थ्रू होते हुए कहां पहुंच गए बता दे, इनफंडिबुलम। वेरी गुड, एम्पुला है ना, है ना। तो yes. तो और यहाँ तो बता दे चल, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हो गया, एम्पुला पे, एम्पुला में, एम्पुला में फर्टिलाइजेशन हो गया, एम्पुला में है ना, फर्टिलाइजेशन कहाँ हो गया, एम्पुला। सर हाँ बोल सर, फिम्ब्रिए काम कैसे कर रहा है, फिम्ब्रिए अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा है, जैसे तू एक हाथ की ना ऐसे मुट्ठी बांध ले, बांध ली जैसे मैंने दिखाई है, दिख रही है, yes. है ना, और दूसरे हाथ से ये फिम्ब्रिए है और ये ऐसे ओवरी के चारों तरफ आ गया, दिख रहा है, yes, sir. ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, देख फिम्ब्रिए है और ये ओवरी है, तो ऐसे ओवरी को जकड़ लेगा वो, क्लियर हो गया, yes, sir. Yes, sir. वो पकड़ के रखता है ओवरी को। अच्छा सुन, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हो रहा है चल बता दे, एम्पुला में, एम्पुला में, एम्पुला में। अच्छा सुन, एग वहां तक पहुंचा कैसे, सिलियरी मूवमेंट से। वेरी गुड, वेरी गुड, यहाँ पे सारे में क्या मौजूद होते हैं फैलोपियन ट्यूब में, सिलिएटेड एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम, बिल्कुल सही है ना, और वो जो सिलिएटेड एपिथेलियम होता है वो इसको कहां तक लेकर के चला जाता है, सर एम्पुला तक। एकदम सही बात है, सर स्पर्म तो सब बहुत छोटे होते हैं सर, फिर वो इन सीलिया में फंस नहीं जाते, नहीं, अच्छा वो स्पर्म नहीं निकल जाते हैं, पार कर जाते हैं, पार कर जाते हैं, बिल्कुल सही कह रहे, बहुत सही तेरा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन है ना, कि अगर आसपास सीलिया है तो फंस जाएंगे, लेकिन सुन ना स्पर्म तो सुन एग से भी छोटा होता है, पूरा स्पर्म एग के अंदर घुस जाता है, तो ये देख ना तू, जब तू ये देख कि तू फिम्ब्रिए से एम्पुला तक एग को मूव करवा रहा है तो स्पर्म तो मूव कर ही जाएंगे, पर हाँ कुछ फंसते होंगे, सही कह रहा है, कुछ तो फंसते होंगे क्योंकि स्पर्म मिलियंस में होते हैं, गुच्छे में जाते हैं, यस सर, सही कह रहा है। ठीक है, फिर देख
फर्टिलाइजेशन एम्पुला में हो गया तो क्या बन गया यहां पे जाइगोट, अगर मेरा इन्वर्टर बीच में बजने लगा ना तो मुझे ऑफ करनी पड़ेगी इन्वर्टर, इन्वर्टर कह रहा हूँ ये क्या हो गया जो, अरे ये ये जो चार्जर है सर, ऐसे समय 97% है सर इस समय मेरे में, यस सर नहीं जो मेरे इन्वर्टर का चार्जिंग है पर हम समझ जाएंगे, हाँ वो टू की आवाज आएगी मैं बता दूंगा अगर कुछ हुआ तो अगर बीच में खत्म हुई तो ये मैं अगले हफ्ते एक्स्ट्रा ले लूंगा जितने भी देर जाएगी सर, पर ज़ूलॉजी सर क्लास एक हफ्ते में एक ही होती है। अरे तो चैप्टर भी तो चार ही हैं, सुन चैप्टर कौन कौन से हैं, एक तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है सर, छह है ना, सुन एक ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ है दो, एक है इवोल्यूशन तीन, एक है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चार, चार ही है। वो बायोटेक वाला शायद सर पढ़ाएंगे तो चार ही चैप्टर है हमारे, इसलिए एक ही क्लास है सर, सर ने बॉटनी में साथ ही बताए थे शायद। अच्छा तो हमारे साथ छह तेरह चैप्टर तो सोलह है, यस सर मतलब चैप्टर तो सोलह है, चल कोई नहीं देखते हैं। मेरा वैसे सिलेबस कम है इसलिए इन्होंने एक दिए, यस सर लेकिन अगर मैं बाय जूलॉजी क्लास में मजा भी आता है, हाँ यस सर जूलॉजी में मजा आता है, ये देख तो अगर मुझे बायोटेक भी करानी हुई ना तो फिर मैं कौन से सर हैं, जितेंद्र सर से बात करूंगा, मधु मैडम से बात कर लूंगा, फिर मैं दो क्लास ले लिया करूंगा हफ्ते में, है ना। यस सर तो अगर आज की क्लास मिस होती है, अगर आज की क्लास मिस होती है तो फिर जितना बचेगा आज का वो मैं नेक्स्ट वीक में जोड़ लूंगा, अगले हफ्ते में आगे लंबी ले लूंगा, चल ठीक है, हो सकता है खींची जाए पूरी। अच्छा सुन एम्पुला में क्या बन गया, जाइगोट सर, जाइगोट, और ये जाइगोट सुन जा करके कहां पे फर्टिलाइज हो गया, यूट्रस में, मतलब इम्प्लांट सॉरी, अब ये जाइगोट मूव होना शुरू हुआ और मूव होते होते कहां पर जाकर के घुस गया, यूट्रस में, ऐसे ये जो यूट्रस का ये देखिए वाला जो लेयर है ना यूट्रस का, एंडोमेट्रियम, ऐसे होता है ना ये एंडोमेट्रियम, देख ये एंडोमेट्रियम है, ये ब्लड वेसल है, ठीक है, ये क्या बन गया प्लेसेंटा बन गया, ये क्या बन गया अम्बिलिकल कॉर्ड बन गई, ये क्या हो गया एम्ब्रियो आ गया, अम्बिलिकल कॉर्ड से क्या निकले फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकले, और ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कहां पे घुस गए जाकर के एंडोमेट्रियम के अंदर, यस सर क्लियर हो गया, यस सर, नो सर ये एक बार और बता दीजिए, देख यूट्रस का ये वाला लेयर लाल रंग से दिखा दूं, सुन ये जो लेयर है ना यूट्रस का ये वाला, ये एंडोमेट्रियम का लेयर है लाल रंग से जो मैंने बनाया, यस सर, ठीक है, और ये वाला देख जो ग्रीन कलर से मैंने बनाया हुआ है, ये क्या है ये प्लेसेंटा है गोल सा, ये प्लेसेंटा है, और ये एक लंबी सी जो है ये है अम्बिलिकल कॉर्ड, और ये है एम्ब्रियो, ठीक है, और ये होती है विलाई, ठीक है, देख उंगली दिख रही है मेरी उल्टे हाथ की, यस सर, और ऐसे अम्बिलिकल, अब ये विलाई ऐसे घुस गई दिख रही है, यस सर, यस सर, और जो हथेली है हथेली क्या है प्लेसेंटा है, यस सर, यस सर, और ये जो हाथ है ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, इससे एम्ब्रियो अटैच्ड है, ठीक है। अच्छा सुन जो एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम किसका लेयर है, मदर का, यस सर, तो एंडोमेट्रियम के अंदर मौजूद होती है ब्लड वेसल्स, है ना, और म्यूकस ग्लैंड्स, एंडोमेट्रियम में क्या मौजूद होती है ब्लड वेसल्स होती है, है ना, एंडोमेट्रियम में ब्लड वेसल्स होती है, म्यूकस ग्लैंड्स क्यों, म्यूकस भी होता है, ठीक है, क्योंकि जब तक ना तू म्यूकस प्रोवाइड नहीं करेगा किसी भी चीज को तब तक गैसेस वगैरह का जो डिफ्यूजन है वो बहुत अच्छा नहीं हो पाता, कोई चीज चिकनी होनी चाहिए तभी गैसेस का डिफ्यूजन ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है, मॉइस्चर होना चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए, इलेवेंथ में हमने पढ़ा था ना कि मॉइस्चर होना बहुत जरूरी है,
ठीक है, तो है ना, तो जो एंडोमेट्रियम होता है वो तो मदर का लेयर हो गया है ना, और जो विलाई है, विलाई के अंदर जो ब्लड वेसल, तो एंडोमेट्रियम के अंदर जो ब्लड वेसल है वो ब्लड वेसल किसकी है, मदर की, सर मदर की, और जो विलाई है, विलाई किसका पार्ट है, पूरा का पूरा ग्रीन वाला किसका पार्ट है, एम्ब्रियो का, एम्ब्रियो का, तो विलाई के अंदर जो ब्लड वेसल मौजूद है वो किसकी ब्लड वेसल है, एम्ब्रियो की, एम्ब्रियो की, ठीक है, वो ब्लड वेसल किसके, एम्ब्रियो की ब्लड वेसल है, क्लियर हो गया तुझे, यस सर, यस सर, चलो फिर आगे चलो, ठीक है, ऐसे जा करके जो वो होता है वो यूट्रस में अटैच हो जाता है, तो यूट्रस जो होता है, यूट्रस को हम एक और नाम देते हैं, यूट्रस को हम वूम्ब भी कहते हैं, सर वही मैं सोच रहा था कि वूम्ब तो साइड लिखवाया ही नहीं अभी, है ना, यूट्रस को हम दूसरा नाम क्या देते हैं, वूम्ब, यस सर, है ना, तो यूट्रस का नाम देख एक और हमने क्या लिख दिया, वूम्ब लिख दिया, कोक, तीसरा नाम इसका होता है हिस्टेरा, तीसरा नाम क्या होता है, हिस्टेरा, तीसरा नाम क्या है इसका, हिस्टेरा, क्लियर yes. हो गया, यस yes, सर, अच्छा तो तू मुझे बता दे, 2 साल पहले नीट में क्वेश्चन आया था, अगर पुराने पेपर देखोगे तो एक क्वेश्चन 2 साल पहले मिलेगा, इसका क्या मतलब हुआ, हिस्टेरेक्टॉमी, इसका मतलब क्या हुआ, ट्यूबेक्टॉमी जैसा कुछ, देख टॉमी वर्ड किसमें लगाते हैं हम, जब किसी चीज को बंद कर रहे हैं, काटते हैं, प्रोसेस बोलते हैं, काटते हैं, काटना, काटना, काट के हटाना, काटना, तो हिस्टेरेक्टॉमी क्या हो गया, सर यूट्रस को काट के फेंकना, सर्जिकली रिमूव करना, सही कह रहे हो, तो हिस्टेरेक्टॉमी हो गया, सर्जिकल रिमूवल ऑफ द यूट्रस, क्लियर हो गया सर, वो ट्यूबेक्टॉमी नहीं होता था पहले, ट्यूबेक्टॉमी होता था कटिंग ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, अगर तूने यहां से, अगर तूने यहां से ये काट दी, ये काट दी, ये क्या हो गई, चल बता दे, जो मैंने ग्रीन लगाई है सर, ये ट्यूबेक्टॉमी हो गई, ये ट्यूबेक्टॉमी हो गई सर, पर ये हिस्टेरेक्टॉमी से क्या फायदा होगा, नहीं पता है क्या होता है, मान लो कैंसर हो गया यूट्रस का, तो तू क्या करेगा, फिर स्क्रीनिंग का, यूट्रस को हटानी पड़ेगा, अच्छा ट्यूबेक्टॉमी क्या है, ट्यूबेक्टॉमी पता चल क्या है, टॉमी कटिंग है, और ट्यूब क्या हो गया, फेलोपियन ट्यूब, तो कटिंग ऑफ द फेलोपियन ट्यूब क्या हो गया, ट्यूबेक्टॉमी, ये वो है ना, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, हाँ जब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे, तो ये सर्जिकल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, ठीक है, दिस इज सर्जिकल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, क्लियर हो गया, यस सर, सर तो जो ये काटने के बाद यूट्रस को, उसके बाद सेक्सुअल हो सकता है, नहीं रिप्रोडक्शन तो चलता रहेगा, सब कुछ चलेगा, बस क्या नहीं पहुंच पा, क्या नहीं पहुंच पाएगा वहां तक, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, बच्चे पैदा नहीं होंगे, यहां से काट दे तू, यहां से काट दे, कहीं से भी काट दे, तो मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का यूनियन नहीं हो पाएगा, बच्चे पैदा नहीं हो पाएंगे, बाकी जो नॉर्मल सेक्स लाइफ है उसका पलकी, वो तो नॉर्मल चलती रहेगी, उसमें क्या प्रॉब्लम है, चल सही है, अच्छा चल एक और बात बता, कि अगर इसका मतलब तू ये बता कि जो इम्प्लांटेशन हो रहा है वो किसकी मदद से हो रहा है, विलाई की मदद से, मान लो, और जो बीट कर रहा है सीलिया वो ऐसे है
कि वो एम्ब्रियो को यूट्रस में पहुंचा रहा है सेवंथ डे पे, है ना, और वहां जाकर के विलाई घुस रही है एंडोमेट्रियम के अंदर, ठीक है। मान लो सीलिया की, मान लो सीलिया की बीट बहुत ही स्लो है, है ना, और जो विलाई है वो एम्ब्रियो में, अभी एम्ब्रियो मैं काले रंग से दिखा देता हूं, अभी एम्ब्रियो यहीं पहुंचा है यहां पे और यहीं पे विलाई निकल आई, तो क्या होगा? तो यहीं प्लांट हो जाएगा। वेरी गुड, यहीं पे इम्प्लांट हो जाएगा, जहां विलाई निकलेंगी वो तो वहीं फंस जाएंगी जा करके। तो फिर से बाद में दिक्कत नहीं होगी। इस प्रेगनेंसी को हम क्या नाम देंगे? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। नीट का क्वेश्चन है, देखा फिर से बता। अगर प्रेगनेंसी यूट्रस के बाहर हो गई, अगर इम्प्लांटेशन यूट्रस के बाहर हो गया, तो उस प्रेगनेंसी को हम क्या नाम देंगे? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्लियर हो गया? क्या लिखे हैं इसमें? अभी मैं लिखवाऊंगा, अभी तो मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। क्लियर हो गया तुझे? यस सर। चल, यूट्रस के ना तीन लेयर्स होते हैं। अच्छा, यूट्रस के पहले तो तीन पार्ट्स होते हैं। जो ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है ना यूट्रस का, वो फंडस होता है, ठीक है, ये वाला पार्ट ऊपर। जो मेन पार्ट होता है वो बॉडी होता है, और नीचे वाला पार्ट हमने लिख दिया सर्विक्स होता है। ऊपर ऊपर वाला पार्ट फंडस हो गया, मेन पार्ट बॉडी हो गया, नीचे वाला पार्ट सर्विक्स हो गया। लास्ट तुमने लिखा क्या है जरा बताना? फैलोपियन ट्यूब के बारे में लिख लिया? किसी के बारे में, किसी के बारे में कुछ लिखा है अभी? नो सर। लिख ले, अब लिख ले, लिख ले, फिर समझाता हूँ आगे। यहां तक लिख ले, फिर आगे समझाता हूँ। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ना वन पेयर ऑफ ओवरी, ठीक है, प्रेजेंट इन द एब्डोमेन, ऑन, है ना, प्रेजेंट इन द एब्डोमेन, है ना, ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉडी, प्रेजेंट इन द एब्डोमेन, है ना, ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉडी, है ना, बोथ साइड्स ऑफ द बॉडी, है ना, एब्डोमेन में दोनों साइड होती है ना, राइट ओवरी लेफ्ट ओवरी होती है ना। नेक्स्ट लिख ले, ओवरी कंटेन्स मैनी फॉलिकल्स, ठीक है, ओवरी कंटेन्स मैनी फॉलिकल्स, फॉलिकल FOLLICLE है ना, ओवरी कंटेन्स मैनी फॉलिकल्स, है ना, इन वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ओवरी कंटेन्स मैनी फॉलिकल्स, है ना, in many stages of development, ठीक है। अगला पॉइंट, इन वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, अगला लिख लो, ठीक है, फ्रॉम, अब अगला हेडिंग दो, फैलोपियन ट्यूब्स, अगला हेडिंग फैलोपियन ट्यूब्स, ये फैलोपियन ट्यूब्स, फैलोपियन ट्यूब्स, दीज आर ना ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, 10 से 12 सेंटीमीटर होती हैं, दीज आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स,
ठीक है, 10 to 12 सेंटीमीटर्स इन लेंथ। ठीक है, अगला पॉइंट, द फैलोपियन ट्यूब्स आर अटैच टू द ओवरी। सर, द फैलोपियन ट्यूब्स आर अटैच टू द ओवरी। फैलोपियन ट्यूब्स आर अटैच टू द ओवरी बाय फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फिम्ब्रिए। फैलोपियन ट्यूब्स आर अटैच टू द ओवरी बाय फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड फिम्ब्रिए। ठीक है, ओवा फ्रॉम द ओवरी इज फर्स्ट रिलीज्ड इन टू द कैविटी ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। ओवा फ्रॉम द ओवरी, ओवा फ्रॉम द ओवरी इज फर्स्ट रिलीज्ड इन टू द कैविटी ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, देख ये, देख ये ओवा, तुझे ओवरी नजर आ रही है ये? यस सर। ये फिम्ब्रिए नजर आ रहे हैं? यस सर। अगर फिम्ब्रिए ऐसे हैं तो ये क्या है? फिम्ब्रिए की कैविटी। ठीक है, तो ओवा पहले कहां पे रिलीज होगा? कैविटी के अंदर, और फिर कहां पे एंटर करेगा? फिर कहां एंटर करेगा? फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब देख ना, ऐसे है यार, देख है ना, तो ये एक बीच में स्पेस नजर नहीं आ रही है उंगलियों के बीच में, ये वाली? सर अभी वीडियो दिख नहीं रही है। वीडियो नहीं दिख रही सर, मतलब मेरा नेटवर्क में प्रॉब्लम हो गई। अच्छा अच्छा सर, मेरे को भी नहीं दिख रही वीडियो। चल ठीक है, बीच बीच में चली जाती है। चल कोई बात नहीं, पहले लिख ले, मैं जब दिखेगी समझा दूंगा। पहले लिख ले सर, मान लो सुन 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 सुन, अरे ऐसे बना ले ना, ये ओवरी है, ओवरी है, ये मान लो फिम्ब्रिए है, ये फैलोपियन ट्यूब है, ये ओवा है काले रंग का। ठीक है, तो ओवा पहले कहां पे रिलीज होगा? अरे यार ये इसको मैंने फिर से काले ही ले लिया, ये मान लो ओवा है लाल रंग का, तो ओवा पहले कहां पे रिलीज होगा? कैविटी के अंदर रिलीज होगा ना, फिर फैलोपियन ट्यूब में एंटर करेगा। अगर ये ओवरी है, ये फैलोपियन ट्यूब है, तो पहले तो ओवा यहां पे रिलीज होगा ना उंगलियों के बीच में, और फिर अंदर एंटर करेगा ना। कैविटी ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, फर्स्ट रिलीज इन टू द कैविटी ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, एंड देन ओवा एंटर्स द फैलोपियन ट्यूब, उसके बाद ओवा फैलोपियन ट्यूब में एंटर कर जाता है। एंड देन ओवा एंटर्स द फैलोपियन ट्यूब, एंटर्स द फैलोपियन ट्यूब ना, उसके बाद ओवा फैलोपियन ट्यूब में एंटर कर जाता है। सर एक बार शुरू से बोल देना, ओवा फ्रॉम द ओवरी, ओवा फ्रॉम द ओवरी है ना, ओवा फ्रॉम द ओवरी इज फर्स्ट रिलीज्ड इनटू द कैविटी ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, और कैविटी ऑफ द फैलोपियन ट्यूब को कहते हैं ऑस्टिया। ओवा फ्रॉम द ओवरी इज फर्स्ट रिलीज्ड इनटू द कैविटी ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। This cavity of the fallopian tube is known as ostia. Is known as ostia. Sir, एक बार repeat कर दीजिए। Ova from the ovary first enters the cavity of the fallopian tube. कैविटी ऑफ फिम्ब्रिए लिख ले, कोई नहीं, फर्स्ट एंटर्स द कैविटी ऑफ द फिम्ब्रिए व्हिच इज कॉल्ड ऑस्टिया। फैलोपियन ट्यूब नहीं होगा? नहीं, कुछ कुछ भी लिख ले, एक ही बात है, कैविटी फिम्ब्रिए की तो है। ठीक है, एंड देन इट एंटर्स द फैलोपियन ट्यूब, और उस कैविटी को ऑस्टिया कहते हैं। ठीक है, फिर अगला लिख ले,
फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन एम्पुला, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन एम्पुला सर। मैक्सिमम टाइम्स एम्पुला में होता है फर्टिलाइजेशन? हाँ हाँ, एम्पुला में ही होता है फर्टिलाइजेशन हमेशा। सर तो कोई मतलब एक्सेप्शन नहीं होता इसमें, कहीं एम्पुला में ना हो? नहीं नहीं एम्पुला में होता है, फर्टिलाइजेशन एम्पुला में होगा है ना। एंड द एम्ब्रियो व्हिच इज प्रोड्यूस्ड इन एम्पुला, एंड द एम्ब्रियो व्हिच इज प्रोड्यूस्ड इन द एम्पुला ट्रेवल्स टू द यूट्रस। एम्ब्रियो व्हिच इज प्रोड्यूस्ड इन द एम्पुला ट्रेवल्स टू द यूट्रस। Travels to the uterus. Sir, sir, ampulla में कुछ special environment मिल जाता है क्या gamete को? नहीं, actually वो बहुत ही wide area होता है, वहाँ जगह मिल जाती है proper fertilization, और कोई नहीं। अच्छा, okay sir, thank you. Next heading दे दे uterus. Uterus. Sir, embryo की बात क्या बताया था? फिर आ गया तेरा यूट्रस है ना। यूट्रस को वूम्ब भी कहते हैं, हिस्टेरा भी कहते हैं ना, वूम्ब भी कहते हैं, हिस्टेरा भी कहते हैं। तो लिख लेना, यूट्रस इज ए पियर शेप्ड स्ट्रक्चर। पियर हाँ, नाशपाती। पियर शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन दी lower part of the abdomen, present in the lower part of the abdomen, lower part of the abdomen. ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर। यूट्रस इज द साइट फॉर site for implantation of the fertilized egg. Uterus is the site for implantation of the fertilized egg. Implantation मतलब है ना, जा करके घुस गया यूट्रस के अंदर, अब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा है ना, इम्प्लांट हो जाना, घुस जाना। यूट्रस इज द साइट फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग, ठीक है। इट इज ऑल्सो द साइट फॉर डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, इट इज द साइट फॉर प्रेगनेंसी है ना, इट इज ऑल्सो द साइट फॉर डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो एंड इट इज द साइट फॉर प्रेगनेंसी। It is a site for pregnancy. ठीक है? Uterus consists of three parts. सर एक मिनट, वो एम्ब्रियो के बाद क्या बोला? है ना? Implantation of the embryo. It is the uterus is the site for embryonic development. है ना? Uterus is the site for
एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ठीक है, इट इज ऑल्सो द साइट फॉर प्रेगनेंसी, इट इज ऑल्सो द साइट फॉर प्रेगनेंसी, साइट फॉर प्रेगनेंसी, क्लियर हो गया? यस सर, यस सर। चल फिर आगे आ जा। नेक्स्ट, ठीक है, यूट्रस कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, यूट्रस कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, ठीक है, एन अपर पार्ट नोन एज फंडस, एन अपर पार्ट नोन एज फंडस, ए मिडल पार्ट नोन एज बॉडी, एंड ए लोअर पार्ट नोन एज सर्विक्स विच एक्सटेंड्स इनटू द वजाइना, लोअर पार्ट नोन एज सर्विक्स विच एक्सटेंड्स इनटू द वजाइना, विच एक्सटेंड्स इनटू द वजाइना। इंटू दी वजाइना, क्लियर हो गया? अच्छा याद देखियो, हाँ ठीक है, यूट्रस के तीन लेयर्स होते हैं, है ना, यूट्रस कंसिस्ट ऑफ थ्री लेयर्स। सबसे बाहर का लेयर होता है पेरिमेट्रियम, बीच वाला लेयर होता है मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर का लेयर होता है एंडोमेट्रियम। तीन लेयर्स होते हैं, द आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज पेरिमेट्रियम, आउटरमोस्ट लेयर इज कॉल्ड पेरिमेट्रियम, मिडल लेयर इज कॉल्ड मायोमेट्रियम, ठीक है, मिडल लेयर इज कॉल्ड मायोमेट्रियम, है ना, मायो का मतलब होता है मसल्स, ठीक है, एंड द इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम। अब सुन, मायोमेट्रियम जो होता है, मायोमेट्रियम इज मेड अप ऑफ वेरी पावरफुल इनवॉलेंट्री मसल्स, मायोमेट्रियम इज मेड अप ऑफ वेरी पावरफुल इनवॉलेंट्री मसल्स, very powerful involuntary muscles, ये मायोमेट्रियम के लिए बताया। हाँ, मायो, मायो का मतलब ही मसल होता है, ठीक है, मायोमेट्रियम वेरी पावरफुल इनवॉलेंट्री मसल, ठीक है, ये इनवॉलेंट्री मसल्स, ये जो मायोमेट्रियम की मसल्स होती हैं, ये कंट्रोल होती है एक हार्मोन जिसे हम कहते हैं प्रोजेस्ट्रॉन, ये ऑक्सीटोसिन, मसल्स ऑफ द मायोमेट्रियम आर कंट्रोल्ड बाय अ हार्मोन ऑक्सीटोसिन, ठीक है, मसल्स of the myometrium, ठीक है, are controlled by a hormone oxytocin, oxytocin, clear हो गया? Yes sir. तो लिख ले, oxytocin causes powerful contraction of the muscles,
ठीक है, ऑक्सीटोसिन कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स ऑफ द मायोमेट्रियम ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ. ऑक्सीटोसिन कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ. पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ. और इसको ऑक्सीटोसिन फिर बता देना. ऑक्सीटोसिन कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स ऑफ द यूट्रस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ. इसको नाम क्या देते हैं हम, कोई बता रहा है? बर्थ क्या लिखा है मैंने? लेबर पेन्स. लेबर पेन्स. इसे पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन को बोला है लेबर पेन्स. हाँ, इसको हमने नाम दिया लेबर पेन्स. इस प्रोसेस मतलब ये जो हो रहा है इसको पूरे को नाम दिया ना? हाँ, लेबर पेन्स. पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन को, पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, उसको हम नाम देते हैं लेबर पेन्स. ठीक है, तीसरे नंबर पर होता है एंडोमेट्रियम. तीसरा लेयर कौन सा होता है? एंडोमेट्रियम. तीसरा लेयर होता है एंडोमेट्रियम. ये इनर मोस्ट लेयर होता है और एंडोमेट्रियम याद रखना ब्लड वेसल्स का और म्यूकस ग्लैंड्स का बना होता है. ठीक है, एंडोमेट्रियम ब्लड वेसल्स का और म्यूकस ग्लैंड्स का बना होता है. ठीक है, ब्लड वेसल्स और म्यूकस ग्लैंड्स का बना होता है. पेरिमेट्रियम में कुछ खास नहीं, वो तो कवरिंग है बस. ठीक है, तो एंडोमेट्रियम याद रखना मेड अप ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स का और म्यूकस ग्लैंड्स का बना होता है. ठीक है, और म्यूकस ग्लैंड्स का बना होता है. ठीक है, एंडोमेट्रियम जो होता है वो एक हार्मोन के कंट्रोल में होता है, प्रोजेस्टेरोन के. एंडोमेट्रियम एक हार्मोन के कंट्रोल में होता है, उसे हम कहते हैं प्रोजेस्टेरोन. एंडोमेट्रियम एक हार्मोन के कंट्रोल में होता है और उसको हम कहते हैं प्रोजेस्टेरोन. ठीक है, प्रोजेस्टेरोन. क्लियर है? यस सर. जब तक बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई रहेगा एंडोमेट्रियम अपनी जगह पर रहता है. एंडोमेट्रियम रिमेन्स इन इट्स प्लेस, एंडोमेट्रियम रिमेन्स इन इट्स प्लेस टिल प्रोजेस्टेरोन लेवल इज हाई इन द ब्लड. है ना, एंडोमेट्रियम रिमेन्स इन इट्स प्लेस टिल प्रोजेस्टेरोन लेवल इज हाई इन द ब्लड. ठीक है, एंडोमेट्रियम अपनी जगह पर रहता है जब तक प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई रहता है ब्लड में. टिल सर अगर ये लो हो गया तो एंडोमेट्रियम रप्चर हो जाएगा. है ना, वेन एवर प्रोजेस्टेरोन लेवल फॉल्स, whenever progesterone level falls, whenever progesterone level falls, ठीक है, endometrium ruptures, whenever progesterone level falls, ठीक है, endometrium ruptures, endometrium ruptures. जैसे कि जो एंडोमेट्रियम के जो टूट जाने से कुछ क्या क्या
क्या लॉस होता है बॉडी को? ब्लीडिंग, ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड का लॉस होगा ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलती फीमेल्स में, वो इसलिए तो चलती है। ठीक है, तो व्हेनेवर प्रोजेस्टेरोन लेवल फॉल्स, ठीक है, एंडोमेट्रियम रप्चर्स विच कॉजेस रप्चरिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स प्रेजेंट इन एंडोमेट्रियम। अपने आप ये एक साइकिल है जो ह्यूमन फीमेल्स में चलती ही चलती है, ऊपर नीचे हार्मोन होते ही है। ठीक है, विच कॉजेस के बाद रप्चरिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम, विच कॉजेस रप्चरिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम, रप्चरिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम, विच कॉजेस लॉस ऑफ ब्लड एंड म्यूकस, विच कॉजेस लॉस ऑफ ब्लड एंड म्यूकस, लॉस ऑफ ब्लड एंड म्यूकस। ठीक है, दिस इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मेंस्ट्रुअल फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, दिस इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मेंस्ट्रुअल फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। दिस इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मेंस्ट्रुअल फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर हो गया? यस सर, यस सर। ठीक है, तो एक साइक्लिक पैटर्न होता है, उस साइक्लिक पैटर्न में ना ये रप्चर होती रहती है ब्लड वेसल्स। ठीक है, हर महीने, ये मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगा आपको। ओके सर। सर मतलब प्रोजेस्टेरोन का लेवल लॉस फॉल करता ही रहता है? हाँ, हर महीने फॉल करता है, तो हर महीने इसलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। सर क्यों फॉल हो जाता है मतलब? ये अब मैं पढ़ाऊंगा अगली बार, पढ़ाऊंगा पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल डिटेल में। ये चीज भी आएगी ना। तो अच्छा सुन, नेक्स्ट एंडिंग दे वजाइना। ठीक है, वजाइना फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है ना, वजाइना इज फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन। ठीक है, हम अपनी क्लास यहीं रोकेंगे, कोई फायदा नहीं आगे जाने से। तो अभी टाइम नहीं हुआ सर तुमसे। हाँ पता है मुझे, मैंने शुरू में बताया था ना कि अगर मेरा ये काम नहीं करेगा तो मुझे रोकनी पड़ेगी। अगर ये एकदम उड़ गई तो मैं सेव भी नहीं कर पाऊंगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। यस सर। अच्छा बता, सेव कैसे करेंगे सर? आप यहाँ पे तीन डॉट पे जाके कर सकते हो। रुक जाना अभी, सुन, डाउनलोड एज पीडीएफ। यस सर। तुझे क्या नजर आ रहा है? रीनेम, डाउनलोड एज पीडीएफ, सेव एज फिल्म। क्या डाउनलोड एज पीडीएफ कर दीजिए। हो गई सुन, हो गई होगी सर? हो रही है। ये सर, तुझे कैसे पता हो रही है सर? वो यहां पे तो कॉर्नर पे आ रहा है। ओपन करके देख लीजिए। कैप HMFS विच? यस सर। सर ओपन करके देख लीजिए, नीचे ऑप्शन आ रहा है ओपन फाइल। करूं? यस सर। आ गई ना? यस सर। ये सेव कहां हुई है लेकिन? ये हाँ, ये कैसे सेव कहाँ पे हुई है सर? आप कंट्रोल जे दबा के चेक कर सकते हो। नहीं, इसका नाम भी तो देना पड़ेगा यार। यस सर, मैं वही कह रहा हूँ सर, आप कंट्रोल जे कर दो एक बार। लगता है सर का बैटरी बचेगा। अब तो जो हुआ है सेव कहाँ हुआ तो लेफ्ट हो जाना है। भाई सो पूछ रहा हूं, लीव करना है? सबने कर दिया, हम भी करते हैं। फिर दोनों फिर सर का इलेक्ट्रिसिटी इशू है। हां वैसे भी करना पड़ेगा। चलो ठीक है।